और खबर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के प्यागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हसुआपारा गांव से बता दें, हसुआपारा गांव निवासी एक विचाराधीन बंदी की जिला कारागार में गुरुवार को मौत हो गई थी। डॉक्टरों की टीम ने शव को रात में ही पोस्टमार्टम कर दिया था। शव को घर पर शाम को ही भिजवा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर तक शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक नहीं किया गया है। गाँव में तीन थानों की पुलिस फोर्स, दो CO निगरानी कर रहे हैं। तो प्रयागपुर थाना क्षेत्र के हसुआपारा गांव निवासी ताहिर अली को पुलिस ने चार अन्य के साथ 1 अगस्त को जेल भेज दिया था। सभी पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगा था। जिला कारागार में रुद्ध विचाराधीन बंदी की गुरुवार को दोपहर में मौत हो गई थी। विचाराधीन बंदी की मौत के मामले में परिवार और गांव के लोग काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि ताहिर को जिस दिन घटना में दिखाया गया है वो उस दिन क्षेत्र में नहीं थे। साथ ही पुलिस ने गांव के दो लोगों की मदद से मिलकर उनका नाम शामिल करके जेल भेज दिया था। सभी ने SDM पर शांति भंग की धारा में जेल भेजने का विरोध किया था। सभी मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। शव पोस्टमार्टम के बाद रात में ही गांव भेज दिया गया था, लेकिन शुक्रवार दोपहर तक ताहिर के शव को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक नहीं किया गया। गांव में इस वक्त तनाव का माहौल है। तनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने प्रयागपुर, फकरपुर और विशेषगंज थाने की पुलिस भेज दी है। पुलिस अधिकारी परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक परिवार के लोगों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि तहसील प्रयागपुर की भीम आर्मी भी वहां पहुंच चुकी है। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष भी वहां पर बैठे हुए हैं, जो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं। क्योंकि ये ताहिर अली का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है, पन्नी त्रिपाल तान कर ये जो है एक फूस के मकान में रहते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो गांव के लोगों का कहना है कि जिसने भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान किया है, जिसने उसके ऊपर चांद सितारा बनाया था, जो दोषी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। लेकिन जो निर्दोष के ऊपर कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई की वजह से सदमे में आकर के हार्ट अटैक हो जाने से जो उसकी मौत हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति आखिरकार कौन करेगा? अगर प्रशासन ने इस परिवार की तरफ नहीं देखा तो इनके बच्चे जो है सड़क पर आ जाएंगे और भीख मांगने लगेंगे। तो बहुत ही दुखद घटना। आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर कर खबर भी देखी होगी कि किस तरीके से 7वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया था, जहां पर तिरंगे झंडे पर चांद सितारा बनाया गया था कुछ अराजक तत्वों के द्वारा। गांव के लोगों का कहना है कि वो छोटे छोटे बच्चों ने यह काम किया था, जिनको झंडे के गौरव और अपमान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसमें जो है एक बुजुर्ग व्यक्ति ताहिर अली को भी पुलिस ने 116 के तहत जेल में नियुक्त कर दिया था। जेल में ही उनकी मौत हो गई है।